तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी टीचर राघव पर। तो दोस्तों देख रहे हैं बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है और सुबह के भाई 6:30 बज चुके हैं। और एक तो बस वगैरह कुछ भी नहीं आ रही है, दूसरी चीज़ क्या है कि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, इसलिए बसें वगैरह नहीं चल रही और बैठे हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा समस्या है। और कल शाम को मैंने देर रात को एक नोटिस देखा जिसमें मतलब ये कहा गया कि समय 6 बजे नहीं, अब 5:45 पे शिक्षकों को पहुंचना होगा। आपसे ये पूछा जाए, इतना ज़्यादा समस्याएं चल रही हैं, आए दिन जो है रात में नींद पूरी ना होने की वजह से, और कितने सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, और गर्मी को चलते देखते हुए बच्चे जो है कितने ज़्यादा बेहोश हो रहे हैं, किसी के नाक से ब्लड निकल रहा है, कोई बेहोश हो रहा है, कोई मूर्छित अवस्था में चला गया है। इसके साथ साथ टीचर्स जो भी हैं उनका भी है। खैर टीचर्स का तो छोड़िए ही, बच्चों पर बात करते, क्योंकि टीचर से कुछ भी हो, एक्सीडेंट हो, टीचर मर जाए, कुछ भी हो, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है प्रशासन को। तो ये सब चीज़ें हैं। और बात कही गई कि 5:45 पे पहुँचेंगे। 5:45, देखिए मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, शिक्षकों से स्पेशली, एक छोटा सा वाक्य है कि जान है तो जहान है। किसी भी प्रकार की जल्दी ना करें, आराम से जिस प्रकार से आप पहुँच सकते हैं उस हिसाब से स्कूल जाइए, ठीक। हाँ, 5:45 पे है तो आप लोग जो है 6 बजे तक पहुँचने की कोशिश करिए, है ना, थोड़ा जल्दी हल्का से निकलिए, लेकिन ज़्यादा हड़बड़ी ना करें। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कई दिनों से, क्योंकि ट्विटर पे आप देख रहे हैं, अपने आसपास में जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं अपने मोबाइल पे, उनमें देख रहे हैं आए दिन किसी टीचर की मृत्यु हो रही है, कोई टीचर का एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ, अलग अलग दुर्घटनाएँ हो रही हैं। दूसरी चीज़, अभी जो है बरसात वगैरह हो रही है, तो गर्मी से थोड़ी सी राहत है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इस बरसात में अगर कोई जो है बाइक वगैरह चलाएगा तो इसमें भी समस्या ये है कि बाइक फिसल सकती है। और ये तो इस प्रकार से कि BPM पहुँचे, BRP पहुँचे, कुछ भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा आपके एक दिन का वेतन काटेगा। मैं कहता हूँ 7 दिन का वेतन काट लेगा, लेकिन याद रखिएगा अगर आप जिंदा हैं तो 7 दिन का नहीं, 70 दिन का नहीं, 70 सालों तक, एक बात कह रहा हूँ, 7 सालों तक का वेतन आराम से कमा लेंगे और अच्छा खासा खाते पीते रहेंगे। तो किसी प्रकार की जल्दी मत करिए, आराम से जाइए। और ऐसी जगह है, ये तो चलो मानते हैं सड़क के किनारे सब चीज़ें हैं, लेकिन क्या है कई जगह ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों को कच्ची रास्ता से स्कूल जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा समस्या है इस प्रकार से। तो आराम से जाइए, आराम से अपने स्कूल पहुँचिए, कोई दिक्कत नहीं है। समस्या यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा टाइम शेड्यूल अगर चेंज होता, और बहुत सारे टीचर्स ने भी प्रयास किया उस दिन जो है 11 बजे कुछ ट्विटर कैंपेन चलाया था, रिवाइज स्कूल टाइम, मैंने भी देखा था, ट्रेंडिंग में था, तो वो तो नहीं सुधरा। हालाँकि एक और फरमान जारी हो गया है और जिसमें ये और कहा गया कि अब 5:45 पे जो है टीचर स्कूल पहुँचेंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा निंदनीय बात है। अगर टीचर कुछ खाता नहीं, मैं स्पेशली बताऊं खुद के बारे में, देखिए एक और महिलाओं को भी बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम है। 5:45 पर आप देखेंगे तो एक तो कुछ ज़्यादा मिलता नहीं, ई रिक्शा, टोटो वगैरह, बस कुछ नहीं मिलता है, और नॉर्मली जो है कहीं आसपास रहने का ठिकाना भी नहीं है स्कूल के आसपास कि भाई कहीं मिल जाए। अब मैं ही देखिए तो 12 किलोमीटर दूर से आता हूँ, तो समस्या यहाँ ये है कि साहब सुबह इतनी जल्दी पहुँचना है, मैं थोड़ी सी समस्या है। हाँ, आप 6 बजे का नहीं, आधा घंटे बाद कर देते, 6:30 बजे कर देते तो बंदा ही तो है। अब एक प्रकार जैसे ही देखा जाए तो मैं कुछ भी खा के नहीं आता हूँ, मतलब केवल चाय पी आता हूँ, और फिर 1:30 बजे छुट्टी होती है। MDM देखिए खाते नहीं, क्योंकि उतनी अच्छा कुछ बनता नहीं, सीधी सीधी बात कहें, ठीक है, क्योंकि एक दिन मैंने खाया था, बीमार पड़ गया था मैं, ठीक। तो समस्या ये है कि टाइम में थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए, जिससे देखिए टीचर कुछ खा के आएगा तो उसके अंदर एनर्जी रहेगी। आज के टाइम आप देखिएगा कोई भी टीचर के चेहरे पे मुस्कान नहीं होगी, और एक तरीके से देखा जाए बेचारा कोई एनर्जी नहीं, जब कुछ कोई खा के नहीं आएगा तो ना ही कोई एनर्जी ना कुछ, और इतनी जल्दी कुछ बनता भी वैसा नहीं है कि साहब बना के और दे दिया जाए। हाँ, जिसके यहाँ पे मम्मी हैं, दीदी हैं या फैमिली है, वो लोग थोड़ा सा हेल्प कर देती हैं, और यहाँ तो जो है अगर आप 4 बजे उठते हैं, साफ़ सफ़ाई करके चाय वाय पी पबा के, और जो है 1 घंटा तो नहाने धोने में, पूजा करने में, ये सब करने में ही निकल जाता है, और फिर वहाँ से निकलना पड़ता है 5 बजे। तो इस हिसाब से थोड़ा सा प्रॉब्लम है हल्की सी कि साहब, और अगर 5 बजे नहीं निकलते हैं तो फिर आधा घंटे और लेट हो जाओ, क्योंकि भैया आधा आधा घंटे में बस वगैरह चलती है। तो समस्या ये, थोड़ा सा टाइम में परिवर्तन किया जाए, जिससे कि हमारी महिला शिक्षिकाओं को और हमारे जैसे टीचर्स को थोड़ा सा, बहुत सारे सभी टीचर्स को लगभग इस टाइम से प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ें समस्या, और पानी खैर जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ बरस रहा है, तो आज के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। और क्या बताएं, बीमार तो नहीं पड़ना है साहब। तो ये चीज़ है, और बाकी सभी से अनुरोध है कोई भी किसी प्रकार से जल्दबाजी ना करे,
बीआरपी बीपीएम अगर आपसे पहले स्कूल पहुंच भी जाता तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपका एक दिन का, दो दिन का, सात दिन का वेतन कटेगा, ज़्यादा से ज़्यादा है, एक बात कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन स्वस्थ रहिए, ठीक है, और बिल्कुल ये ना समझिए कि हाँ यही है तो अब एकदम जान चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं, जान मत दीजिए, आराम से जाइए, मेरा बस ये कहना था। और बरसात में, इस बरसात में भीगने से बचिए, क्योंकि गर्मी के बाद ये बारिश हो रही है, काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो सकती है, अगर आप भीग जाते हैं गारंटी से आप कहीं ना कहीं बीमार पड़ सकते हैं, तो लेट भले ही हो जाए लेकिन भीगना नहीं है, ठीक है। बस यही सब चीज़ें था, दूसरा सरकार से और हमारे सचिव साहब हैं उनसे बस यही कहना है कि बस एक छोटा सा वाक्य है कि अंधेर नगरी और चौपट राजा, उस हिसाब से ही सिस्टम कर रहे हैं आप लोग, और कृपया ऐसा ना करें जिससे कि आपका एम्प्लॉय परेशान हो। देखिए एम्प्लॉय परेशान होता है तो आप जितना उससे वर्क लेना चाहते हैं वो अपना वर्क नहीं दे पाएगा, ठीक है। और इसमें देखिए जो आदमी पढ़ाता है वो आदमी तो उसकी रुचि ख़त्म ही हो रही है धीरे धीरे, और अगर देखा जाए कि जो आदमी नहीं पढ़ाता था, जो पहले भी नहीं पढ़ाता था, आज भी नहीं पढ़ाता है, आगे भी नहीं पढ़ाया हुआ, क्योंकि उस चीज़ का उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति को आपने चुना है, जो यहाँ आया है और जो पढ़ा रहा था पूरी ईमानदारी के साथ, इस प्रकार से रूल्स एंड रेगुलेशन एंड इंस्ट्रक्शन रहेंगे जो कि बिल्कुल बेबुनियाद हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी बंदा हिम्मत हार जाएगा और बस एक खाना पूर्ति करेगा, तो बहुत ज़्यादा समस्या है। इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करिए, हल्का सा, मेरी दरख्वास्त ये है, हालांकि आप सुनेंगे नहीं वो बात अलग है, क्योंकि हम लोग नॉर्मल से शिक्षक हैं और आप एक ऊंचे पद पे बैठे हुए, हम लोग आपके पैरों की जूती के समान हैं, तो जो भी आप जैसा कहेंगे पैरों में डाल के चलाएंगे तो चलना पड़ेगा। तो बाकी ठीक है, थैंक यू सो मच।